रात का अंधेरा कंकालों की सेना से भर गया है और प्रिंस का सामना करने के लिए अकेला खड़ा है। इन कंकालों का आज यही अंत होगा। खत्म हो गया इनका खेल, अब शहर सेफ है इनसे। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे हर अटैक्स बेकार गए? यश को इस बारे में बताना होगा, अकेला मैं इन्हें नहीं हरा सकता। काली पहाड़ी अंधकार की दुनिया का एक जाना माना नाम। इस पहाड़ी के ऊपर एक समय शांतनु का घर हुआ करता था, लेकिन आज जो कोई भी इस पहाड़ी के ऊपर आता है वो जिंदा बच के नहीं जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर हमेशा अंधेरा बना रहता है। इसे होश मिलाओ, इसका खून पीकर मेरे साथी खुश हो जाएंगे। कहाँ हूँ मैं? ईशा, ईशा कहाँ हो तुम? प्रिंस का सर घूम रहा था, उसका दिमाग भी वाइब्रेट हो रहा था। क्या हुआ था मेरे साथ? वो शांतनु, ओ नो। प्रिंस सडनली रनिंग करते हुए खंडहर से बाहर निकलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी तलवार और विमाना कहाँ गए? और ये जगह तो बहुत डरावनी है। ये मेरी दुनिया का है, अंधकार की दुनिया, यहाँ सिर्फ मौत है। उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं प्रिंस, हमें यहां से जाना होगा। यश, मैंने कंकालों से लड़ाई की पर वो खुद को फिर से जोड़ लेते हैं, मेरा हर वार बेकार गया। ये तंत्र विद्या का काम है, कंकालों को ऐसे ही नहीं रोका जा सकता। चलो मैं भी चलता हूँ। और तीनों उसी तरह से निकल जाते हैं। पहले कोल विद से निपटना होगा। वो सब कोल विद के करीब उतरते हैं। यश अपनी गोस्ट कैप्चरिंग गन तैयार करता है और प्रिंस अपनी तलवार निकालता है। दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं। अचानक कोलविच यश और प्रिंस के सोन को खींचने लगती है। ये देख ईशा एकदम घबरा जाती है और यश के पास पहुंच के उसे बचा लेती है। प्रिंस भी लाइट की स्पीड की तरह वहां से उड़ जाता है। ये कोलविच तो बहुत खतरनाक है, तीनों वहां से बच के उड़ जाते हैं। हमने उसकी शक्ति को कम आका, हमारे बार काम नहीं कर रहे हैं। हमें अलग तरीके से सोचना होगा, ये मामूली भूत नहीं है। मैं भील से मदद मांगने जा रहा हूँ, उसकी शक्तियों से शायद हम इस भूत से लड़ पाए।
ठीक है, जाओ प्रिंस। वल्चर्स को चाहिए एक पावरफुल बॉडी, लेकिन कहां मिलेगी इतनी शक्तिशाली बॉडी, इसका किसी को नहीं पता। ब्रिजेश को कैसे भी करके वल्चर्स के लिए बॉडी सर्च करनी है, वरना वल्चर्स उसे मार देगा। बॉस, लगता है कोई जानवर आ रहा है। कम ऑन गाइज, टेक पोजिशन एंड रिमेंबर, एलिफेंट को सिर्फ बेहोश करना है, कोई फायर नहीं करेगा। नालायको, शांत हो जाओ। सर, सर, एलिफेंट आ रहा है। क्या देख रहे हो, फायर करो। नालायको, उस हाथी का पीछा करो। अरे ये क्या हुआ, हाथी भी आपकी शक्तियों को सहन नहीं कर पाया। मुझे कोई विक्रांत जैसा शक्तिशाली चाहिए, वही मेरी शक्तियों को संभाल सकता है। विक्रांत जैसा मतलब यश या उसका भाई? यश का भाई, लेके आओ उसे। यश और ईशा शहर में वापस आते हैं और देखते हैं कि बैट को उस लोगों पर हमला कर रहा है, उनका खून चूस रहा है। इन छोटे छोटे चमगादड़ों को खत्म करना होगा पहले। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बैट मुझे इस बैट गोस को पकड़ने नहीं दे रहे हैं। ये अकेले लड़ने का समय नहीं है, इनके सामने हमें एक साथ आना होगा। सारे गोस्ट हंटर्स को यूनाइट होना होगा। यश, यहाँ से निकलना ही समझदारी है, चलो गोस्टिस्तान चलते हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ एकजुट होकर ही किया जा सकता है। हम सब गोस्ट हंटर्स को मिलके लड़ना होगा। भील के कबीले पर भूतों का हमला हो रहा है, लेकिन भील अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ तैयार है।
सब सुरक्षित जगह पे जाओ, मैं इन भूतों को रोक लूंगा। वीर की शक्तियों के सामने एक भी भूत नहीं दिख पा रहा है। भील, तुम्हारा साहस और शक्ति प्रशंसनीय है। चलो मिलके इन भूतों का सामना करें। बचे हुए घोष दोनों की शक्तियों को देख के वहां से भाग जाते हैं। भिल, हमें तुम्हारी शहर में जरूरत है। घोष ने अटैक कर दिया है और हम सामना नहीं कर पा रहे। चलो घोषिस्तान चलते हैं। भील और प्रिंस अपनी शक्तियों के साथ घोषिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उनका सामना और भी बड़े संकट से होने वाला है। रजनी अपने अंदर छुपे शैडो स्टोन की शक्तियों के साथ जंगल के झाव भरे रास्तों से गुजर रही है। मुझे जल्दी घोषिस्तान पहुंचना होगा। हमारे दुनिया के बीच का संतुलन दांव पर लगा हुआ है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। जंगली कुत्ते उस पर हमला करते हैं। रजनी शैडो स्टोन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए असाधारण गति से दौड़ती है। मेरी गति के सामने तुम नहीं टिक सकते। हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाती है। यश, मैं आ रही हूँ। रजनी जो अपनी शक्तियों के स्रोत से अनजान है, फिर भी हर चुनौती का सामना कर रही है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, अपनी और अपने दोस्तों की दुनिया को बचाना। सारे घोस्ट हंटर्स मिलने वाले हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो तीनों घोस्ट का सामना, और कैसे हराएंगे उन्हें, और क्या वल्चर्स को यश का भाई मिल जाएगा, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।